सबका भी बड़ा सहयोग रहा हम लोग के साथ, और सहयोग है 100 बक्स का भी। हम लोगों ने स्पेशल एक प्रमोशन ऑर्गेनाइज किया था श्रीलंका में, और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजापक्षे मौजूद थे उस कार्यक्रम में। किसी भी फिल्मकार के लिए या फिल्म के लिए बड़े गर्व की बात है, और मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ मेरी एक्सक्लूसिव कोई मेहनत नहीं है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, सभी लोगों ने इतना खूबसूरत सिनेरियो, एक इतना अच्छा बुके क्रिएट किया कि हम लोग इस मकाम तक पहुँचे। फिल्म हमारी कंप्लीट है, डबिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी कुछ छोटे मोटे कुछ जो टेक्निकल काम है वो बाकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ इस अगस्त में हम लोग अपनी फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ करेंगे, और सेप्टेम्बर 1st वीक में ये फिल्म मार्केट में आ जाएगी। ये फिल्म हमारी कंप्लीट पे अभी सितंबर में जैसा बताया सर ने रिलीज़ होने वाली है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि फिल्म बने और रिलीज़ हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अभी सितंबर में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप सब लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और आप लोग बताइएगा मैंने कैसी एक्टिंग की है। इसमें एक पूरी फिल्म में एक प्रोस्टिट्यूट की जर्नी दिखाई गई है कि उसके साथ कितनी तकलीफें और कितनी प्रॉब्लम्स वो भी झेलती हैं। और जो बाकी तो पिक्चर देखेंगे तभी तो पता लगेगा, पहले से बता देंगे कैसे काम चलेगा। नहीं, पहले से बताते भी आए, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो उसकी ये जर्नी है पूरी रात की। शूटिंग हम लोगों ने इस फिल्म का जो इंटायर शूट है वो मुंबई किया, और गाने इसके हम लोगों ने ओवरसीज शूट किए, श्रीलंका शूट किया हम लोगों ने, थाईलैंड शूट किया, इवन एक छोटा सा अभी भी कुछ और हमारे मित्र लोग हैं तो वो फोर्स कर रहे हैं, इवन विभिया के दोस्त हैं कि हम लोग शायद लंकावी में शूट करेंगे, मलेशिया में, एक अगर ज़रूरत हुई तो, क्योंकि फिल्म में ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा लगता है कि फिल्म को और बड़ा बनाने के लिए अगर ज़रूरत हुई तो शायद हो सकता है हम 3 या 4 दिन में हम लोग वो एक शूट करेंगे, अदरवाइज रेस्ट इंटायर थिंग्स लाइक वी शूट इन मुंबई। हाँ, एक पुराना गाना जिसका कभी रिमिक्स हुआ नहीं था, तो वो हम लोगों के दिमाग में आया और हम लोगों ने उसको रिमिक्स किया उस गाने को। जो एक मिशन लेके चले थे और जो विजन था, और जो अभी पूरा का पूरा फिल्म आया जा चुका है और जल्दी आप सब लोगों के सामने आएगा, और जैसा मुझे समझ में आया था और जैसा मुझे समझा था, और शायद वही चीज़ अभी आपके सामने आएगी, और वो जो कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को लेके हम लोग चले हैं, उस कैरेक्टर के सामने उसके लिहाज से वो क्राइम है या चॉइस है, वो सब जनता जब देखेगी मूवी तब डिसाइड करेगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जिस हिसाब से पूरा मूवी का टर्नआउट हुआ है। एंड ओवरऑल इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट थे, म्यूजिक से जुड़े लोग थे और टेक्नीशियन थे, सब लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम किया, और मैं समझता हूँ कि मुझे 18 साल हो गए प्रोडक्शन में काम करते करते, लेकिन मैंने इतने डेडिकेशन से लोगों को काम करते हुए बहुत कम देखा है, तो इस मामले में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे नेतृत्व में इतने डिवोशन के साथ, इतने एंथुजियास्टिक होकर लोगों ने काम किया, तो उसके लिए मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संतोष सिंह है, मैं सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। ज़्यादातर मैंने काम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में किया है, और कुछ गाने गाए भी हैं और बहुत हिट हुए हैं, और मेरे जो बहुत अच्छे गाने हिट हैं जिसमें चन्ना वे खराजा मेरा बहुत बड़ा हिट है, हैप्पी बर्थडे मेरा बहुत बड़ा हिट है, 10-15 एल्बम्स मैंने किए हैं, 10-15 फिल्म्स मैं कर चुका हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दुष्यंत साहब के साथ में काम करके, इस अमेजिंग। 100 बक्स में मेरा एक गाना है, प्रमोशनल सॉन्ग है, और बहुत ही कमाल का गाना है, जैसे ही मार्केट में आएगा तो उम्मीद है कि बहुत लोग पसंद करेंगे। अभी मेरे ख्याल में हम लोगों ने वो लॉन्च किया नहीं है, क्योंकि जब तक म्यूज़िक रैकेट कंपनी का वो परमिशन नहीं मिलता, तो गाने का नाम है मोनालिसा, तो इतना मैं बता सकता हूँ फिलहाल। मैं इस फिल्म में वो किरदार निभा रहा हूँ जो एक ऑटो ड्राइवर का है, और इसमें जो कविता हीरोइन है उनका, वो पूरी फिल्म मेरे और कविता जी के इर्द गिर्द घूमते रहती है, और दुष्यंत सर ने कमाल का डायरेक्शन किया इसके अंदर, और मुझे इस फिल्म में एक ऐसा किरदार जो शुरू से अंत तक काम करने मिला है, वो मेरे लिए काफ़ी भाग्यशाली रहा, और मुझे सीखने भी बहुत मिला इसमें। हाँ, ठीक है।